सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो कैसे हो आप लोग? जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने कल एक पोल डाला था, और वो पोल था कि आप इन तीनों वीडियो में से एक वीडियो को चुनो, एज स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन फ्रॉम ईच रीजन, एज मीडियम स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन फ्रॉम ईच रीजन एंड एज वीकेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन फ्रॉम ईच रीजन। तो आप लोगों ने डिसाइड किया है कि एज मीडियम स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन फ्रॉम ईच रीजन। तो आज इसी टॉपिक पर वीडियो आई है, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। अभी से एक लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, एंड बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। कैंटो रीजन से स्टार्ट करते हैं। तो कैंटो से जो पहला मीडियम स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है वो है स्नोरलैक्स। स्नोरलैक्स एस का एस ने ऑरेंज आइलैंड में पकड़ा, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर आता है बल्बसौर, जो भी एस ने कैंटो में पकड़ा, और ये पोकेमॉन भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एस का पोकेमॉन है। फिर है किंगलर, जो बिना ट्रेनिंग के ही लीग में एस को मतलब एक ट्रेनर से पूरी की पूरी जीत दिला दी। अब बढ़ते हैं जोटो रीजन की तरफ। सो गाइस, जोटो रीजन का पहला पोकेमॉन है बेलीफ। और गाइस, बेलीफ तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि ऐसे कितना ज़्यादा प्यार करती थी, और ये ऐस के लिए क्या कर सकती है, और ये कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। फिर आता है डॉन फैन। तो गाइस, डॉन फैन भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। ये जोटो तक तो फैंस में ही था, होइन में ये डॉन फैन बना, तभी भी ये ऐस का मीडियम। बेलीफ और डॉन फैन ऐस के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, मीडियम स्ट्रॉन्गेस्ट। अब बात करते हैं होन रीजन की। तो गैस, जो होन रीजन का स्ट्रॉन्ग मीडियम स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है वो है सेलो एंड ग्लेली। और गैस, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एस के मीडियम स्ट्रॉन्ग होन पोकेमॉन है, और ये दोनों ने बहुत ही अच्छा कारनामा किया था होन रीजन में, जो काबिले तारीफ है इन दोनों के लिए। और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक है ग्लेली और एक है सेलो। फिर बात करते हैं सिनो रीजन। तो सिनो रीजन में जो एस का पोकेमॉन है वो है स्टारैप्टर और ब्यूजल। तो गाइस, ये दोनों भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एस के मीडियम स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है सिनो के। और अगर आप इन दोनों में एक और को जोड़ना चाहते हो तो आप गीबल को ले सकते हो, बिकॉज गीबल भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और जो एस के मीडियम स्ट्रॉन्ग सिनो रीजन के पोकेमॉन है वो है ब्यूजल, स्टारैप्टर एंड गीबल। फिर बात करते हैं यूनोवा रीजन की तरफ से। तो यूनोवा रीजन में बस एक ही है, वो है पिगनाइट। तो गाइस, पिगनाइट ने बाकी सारे क्रोकोडाइल से मतलब यूनोवा रीजन में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है क्रोकोडाइल के बाद, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। इसने अपने थर्ड एवोल्यूशन को भी हराया है, इसी से आप लोग समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब बात करते हैं कैलोस। तो गाइस, कैलोस में तो अब ग्रेनिंजा के सिवा गुडरा और टैलोन फ्लेम, मेरे ख्याल से गुडरा और टैलोन फ्लेम स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, बट मैं नोएब्रॉन और हाउलुचा को भी कम नहीं समझ सकता। तो चारों मतलब एस का ग्रेनिंजा को छोड़ के जो चारों पोकेमॉन है वो चारों ही मीडियम स्ट्रॉन्ग एस के कैलोस पोकेमॉन बन सकते हैं, बिकॉज ये चारों में इतना दम है कि ये चारों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। अब बात करते हैं एलोला रीजन की। तो गाइस, जो एलोला रीजन में मीडियम स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है वो है मेलमीटर और नेगेंडल। अब ये दोनों एक है माइथिकल पोकेमॉन और एक है अल्ट्रा बीस्ट। अब सोच लो कि ये मीडियम स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन तो है ही, बिकॉज इसका लाइकन रॉक अगर स्ट्रॉन्गेस्ट है तो मीडियम स्ट्रॉन्ग इन्हीं दोनों में से कोई होगा, या फिर इसका इंसिनियर भी हो सकता है, बिकॉज ये भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब बात करते हैं गैलार की। तो गाइस, जो गैलार में है वो है ड्रैगनाइट और गेंगार। और गाइस, इन ये दोनों भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ड्रैगनाइट अभी बस एक बार हारा, इसकी विन परसेंट 99 है, और गेंगार जिजांटा मैक्स पोकेमॉन हो सकता है। तो आप लोग सोच लें कि ये दोनों ही कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है ऐश के, गैलार के मीडियम स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो। ये वीडियो मैंने सोचा था कि सब लोगों ने स्ट्रॉन्गेस्ट वीकेस्ट का बनाया, लेकिन मैं मीडियम स्ट्रॉन्गेस्ट का बनाऊँ, इसलिए मैंने पोल डाला था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, एंड टिल देन पीस आउट।